सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेरे प्रिय कवियों में से एक हैं। उनकी एक कविता जिसका उन्वान है कितना अच्छा होता है। यह कविता गुज़िश्ता साल मेरी एक दोस्त गरिमा ने भेजी थी, जो मुझे बहुत भाई। मैं पढ़ता हूँ। एक दूसरे को बिना जाने पास पास होना और उस संगीत को सुनना जो धमनियों में बजता है। एक दूसरे को बिना जाने पास पास होना और उस संगीत को सुनना जो धमनियों में बजता है। उन रंगों में नहा जाना जो बहुत गहरे चढ़ते उतरते हैं। शब्दों की खोज शुरू होते ही हम एक दूसरे को खोने लगते हैं, और उनके पकड़ में आते ही एक दूसरे के हाथों से मछली की तरह फिसल जाते हैं। हर जानकारी में बहुत गहरे ऊब का पतला धागा छिपा होता है। कुछ भी ठीक से जान लेना खुद से दुश्मन ही ठान लेना है। कितना अच्छा होता है एक दूसरे के पास बैठे खुद को टटोलना और अपने ही भीतर दूसरे को पा लेना। शुक्रिया।